नंबर टू देखिए, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले डिफरेंसिबिलिटी को ही देख लेते हैं, जीरो पे ही ना हमें देखना होगा जी, और फिर कंटिन्यूटी को देखेंगे, या कंटिन्यूटी को पहले देख के डिफरेंसिबिलिटी को बाद में देखते हैं। चलिए कंटिन्यूटी ही देख लेते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, और फंक्शन आपका एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन इनवर्स कॉस एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स कॉस जीरो माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। यानी आ जाएगा अब यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स कॉस माइनस एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स कॉस एच, कॉस माइनस एच कॉस एच के इक्वल हो जाता है, साइन इनवर्स कॉस जीरो का वैल्यू वन, साइन इनवर्स वन यानी पाई बाई टू हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसके राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस एफ एक्स आपका फंक्शन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स कॉस जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन इनवर्स कॉस एच, यानी आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस जीरो यानी वन, साइन इनवर्स वन यानी कि पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू होगा। और फंक्शन का वैल्यू जीरो पर देखिए क्या हो जा रहा है, जीरो पर फंक्शन का वैल्यू साइन इनवर्स कॉस जीरो यानी कि साइन इनवर्स वन यानी पाई बाई टू आ गया। तो तीनों इक्वल हो रहा है ना जी, देख रहे हैं हम लोग कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट या एल एच लिमिट इक्वल टू है आर एच लिमिट और इक्वल टू है एफ जीरो, कंटिन्यूअस हो जाएगा। देयरफोर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, डिफरेंसिबिलिटी की बात करेंगे, डिफरेंसिबिलिटी की अगर यहाँ पे बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश जीरो पावर में माइनस, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस एफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ जीरो बाई में माइनस का एच। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस यहाँ पर हो जाएगा एफ माइनस एच ही ना होगा, यानी आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस माइनस एच माइनस साइन इनवर्स कॉस जीरो और बाई माइनस का एच। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर माइनस साइन इनवर्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस एच अच्छा माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉस जीरो यानी कि कॉस जीरो वन और साइन इनवर्स वन यानी कि पाई बाई टू और बाई में माइनस एच। तो अब देखिए ये माइनस ऊपर लगा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एच टेंस टू जीरो पावर माइनस यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, तो माइनस ऊपर लगाते ही हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स कॉस एच बाई एच। चलिए तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स कॉस एक्स का हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एच और बाई में यहाँ एच है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा एच और बाई में एच कट गया वन आ गया इसका लिमिट वन। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो यहाँ एफ डैश जीरो पावर में प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई में एच, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस एफ जीरो प्लस एच यानी आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस एच माइनस का साइन इनवर्स कॉस जीरो और बाई में एच। अब इसके बाद देखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस यहाँ ये साइन इनवर्स कॉस एच
माइनस पाई बाई टू बाई एच, ऊपर से माइनस एक बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस पाई बाई टू प्लस का हो जाएगा और माइनस का है साइन इनवर्स कॉस एच और बाई में एच, माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस एच बाई में एच। अब इसके बाद देखते हैं निगेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो पावर में प्लस ये एच बाई एच कट के वन, वन का लिमिट वन ही होगा माइनस है तो बाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि सिर्फ ये आप कंटिन्यूअस कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर